वज़ीरे मुमलिकत फारूक हबीब मीडिया टॉक कर रहे हैं। की स्कॉलरशिप अभी तक जो है वो तकसीम कर चुके हैं, जो कि डिफरेंट एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से है। ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जो हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, वो भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार भरपूर तरीके से जो है वो अदा करे। क्योंकि अलामा इकबाल ने कहा था कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा हमारे पास मौका है कि हम आज नॉलेज इकोनॉमी का जमाना है, हम जो कन्वेंशनल जो रवायती सिस्टम्स जो सेटअप्स चल रहे हैं हम इनसे बाहर निकलें और हम बड़े बड़े ख्वाब देखें, और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको खौफ से के बुत से को तोड़ना होगा। खौफ के बुत की जब मैं बात करता हूं तो खौफ का मतलब है फियर ऑफ फेलियर, यानी कि अगर आपको नाकामी का खौफ रहेगा, हर वक्त आपके सर पे तारी रहेगा, तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, आप कामयाबी के स्टेप्स जो है वो नहीं चढ़ सकते। तो लिहाजा आपने कभी खौफ से जो है वो किसी सूरत भी आपने नहीं घबराना, क्योंकि जो आपको कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको डिस्करेज करता है, क्योंकि आपको इनकरेज करने वाले लोग बहुत कम होंगे। इलामा इकबाल ने ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुझे तो आप पे यहां जितने बैठे हैं सब पे फख्र है, सब मुझे जो है वो फ्यूचर लीडर्स नजर आ रहे हैं। आपने अपने पोटेंशियल को पहचानना है, अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। उसी पोटेंशियल के तहत मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा जबरदस्त लोग बैठे हैं, ऐसे जबरदस्त एचआर बैठा है जो दुनिया के अंदर जाकर परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के अंदर किरदार अदा कर रहा है। नेगेटिविटी फैलाना बड़ा आसान काम है, नेगेटिविटी आपको हर जगह के ऊपर नजर आएगी, लेकिन यहां पर बैठे जितने लोग हैं आज ये पैगाम लेकर जाए, जिम्मे ये मैसेज लेकर जाए कि आपने जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, आपने पॉजिटिव पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाना है, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है वो कंपीट कर सकेगा। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर ऐसा बेशुमार जो है वो पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।